वेलकम बैक टू अंधता'स किचन। जी हाँ, काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया था मैंने और फिर से हाजिर हूँ आपके सामने विद सम लवली रेसिपीज़। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों का फेवरेट, ऑफकोर्स ये हमारा फेवरेट भी है, झटपट से बनने वाला मैक एंड चीज़, लेकिन विद अ ट्विस्ट। तो ट्विस्ट है मसाला मैक एंड चीज़। सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैक्रोनीज ले ली है। ये मैंने 1.5 कप मैक्रोनी लिया है और मैंने 3 कप पानी में इसे उबाला है, राइट। और इसको मैंने फिर छान लिया, पूरा पानी इसका निकाल दिया एंड देन इसको ठंडे पानी में धो लिया। एंड देन आई हैव पुट सम ऑलिव ऑयल, या कोई वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं, जस्ट अबाउट 1 टेबल स्पून। एंड यू कैन सी इट्स सो नाइस एंड स्मूथ, ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। और हमें इसे एक तरफ रखना है। अब हमें एक पैन ले लेना है, टर्न ऑन योर हीट, और इसमें मैं डालूंगी करीब 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। सो ये 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक, जो मैंने छोटे छोटे मिंस कर लिए हैं, बारीक काट लिया है। इसे सौते करिए। गार्लिक की अच्छी सी खुशबू आ जाए फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये मैंने एक छोटा प्याज बारीक काट लिया है। हमें इसमें जो सब्जियां लेनी हैं वो आधी कच्ची पक्की लेनी है। इसी में हम गाजर डालेंगे। तो ये मैंने एक छोटा गाजर जो आजकल मार्केट में मिल रहा है ऑरेंज कलर का, वो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं क्यूब्स में। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। ये मैंने 2 बड़े टमाटर, लाल अच्छी जूसी टमाटर का प्यूरी कर लिया है। एंड हियर वी गो। और इसे अच्छे से पकने दें, ढक दें और एटलीस्ट 2 मिनट तक पकने दें। हमारी टोमेटो प्यूरी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब बारी है मसालों की। तो इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, इसे स्पाइसी बनाने के लिए। मसाला मैक एंड चीज़ है तो ऑफकोर्स हमारा गरम मसाला 1/4 टीस्पून जाएगा। हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। सो मैं आधा डाल रही हूँ, लाइक 1 टीस्पून लिया है उसमें से 1/2 टीस्पून डाला और अच्छे से इसे पका लिया। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब बारी है हमारे कलरफुल पेपर्स की। सो कलरफुल पेपर्स में मैं डाल रही हूँ येलो पेपर, क्योंकि ये रेड कलर का इसमें ग्रेवी है इसलिए मैं इसमें रेड पेपर नहीं डाल रही, लेकिन आप डाल सकते हैं। और ये है ग्रीन पेपर, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, दोनों ही मैंने 1/4 कप लिया है। अच्छे से चला लें। और अब बारी है हमारे सॉसेस की, क्योंकि इसे हमें नाइस सॉसी एंड क्रीमी बनाना है। इसमें जाएगा हमारा केचप, जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे, क्योंकि ये हमारा मसाला मैक एंड चीज़ है तो इसमें हमें स्पाइसीनेस बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये बहुत स्पाइसी नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें डालने वाले थोड़ा मेयोनीज़। सो मेयोनीज़ ऑलमोस्ट अबाउट 1 टेबलस्पून, इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और हमारा मसाला सॉस इज रेडी। अब जाएगा हमारा मैक्रोनी जो हमने तैयार रखा है।
इसे मिक्स कर लें। गेट द कलर, इट्स सो नाइस ऑरेंजिश, बढ़िया सा कलर दिख रहा है। इसमें अब हमें डालना है सॉल्ट, हमारे स्वाद अनुसार, ज़्यादा ना डालें बिकॉज हमने इसमें काफ़ी सारे सॉसेस डाले हैं। इसे मिक्स कर लें और फिर लास्ट में हमारा जाएगा चीज़। सो चीज़ हमने लिया है प्रोसेस चीज़, सो मैंने एक कप प्रोसेस चीज़ लिया है। लास्ट में मैं इतना सा गार्निशिंग के लिए रखूँगी। अच्छे से मिक्स कर लें। आप चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला मैं नहीं यूज़ करती बिकॉज काफ़ी स्ट्रिंगी हो जाता है। हमारा जो चीज़ है वो मैक्रोनी के साथ खिंचा खिंचा रहेगा, लेकिन प्रोसेस चीज़ इसमें घुल जाएगा। सो जस्ट मिक्स इट और इसे हम ढक देंगे फॉर 2 मिनट्स। हमारा मैक एंड चीज़ हो गया है रेडी एंड इट्स रेडी टू सर्व। हमारा मसाला मैक एंड चीज़ हो गया है रेडी एंड इट इज़ लुकिंग सो टेम्पटिंग दैट आई कांट रेसिस्ट टू टेस्ट, राइट? सो लेट्स टेस्ट एंड चेक इट आउट। दिस इज सो डिलिशियस, इट इज़ चीज़ी, मसालेदार, टैंगी, स्वीट, सारे फ्लेवर्स हैं इसमें। सो डू ट्राई इन योर किचन एंड लेट मी नो। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं विद सम लवली रेसिपी विद अ ट्विस्ट।